हेलो सुपर फैंस, वेलकम बैक इन मूवीज मेनिया वॉर। तो स्वागत है एक नई वीडियो और एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे कुछ अदर कॉमेडी मूवीज़ जिसे देखने की बात आपका सर बिल्कुल चकरा जाएंगे, क्योंकि इन मूवीज़ का कॉमेडी और अदर बिल्कुल आउट ऑफ लॉजिक है और इन मूवीज़ को देखना बिल्कुल पागलपन होने वाला है। और इन मूवीज़ को कहाँ देखना चाहिए, कौन सी मूवी हिंदी पे देखने को मिलेगा, ये बात हम इस वीडियो के अंदर पता लगाएंगे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 9 वाली मूवी है 2007 की एपिक मूवी। मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलता है चार लोग जिसे चुना जाता है, और ये मूवी एक्समैन, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, नर्निया कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है पता ही नहीं चलता। इस मूवी के अंदर पूरी तरह से फुल टॉक कॉमेडी देखने को मिलता है और इस मूवी को 2.4 की IMDb रेटिंग दी है। और ये मूवी फिलहाल तो हिंदी पे अवेलेबल नहीं है, और ये मूवी आपको GTT वॉच लिस्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगा। नंबर 8 वाली मूवी है 2008 की मीट द स्पार्टन। अगर आपने वार्नर ब्रदर्स की 300 मूवी देखी है तो ये उसी मूवी का एक मजाक कॉपी है। इस मूवी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने के लिए तो है नहीं, पर यह मूवी पूरी तरह एदर और कॉमेडी से भरा हुआ है और ये मूवी हिंदी पे अवेलेबल नहीं है। और इस मूवी को 2.8 की IMDb रेटिंग दी है, और पागलपन के लिए इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। और ये मूवी GTT वॉच लिस्ट OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगा। नंबर 7 वाली मूवी है 2010 की वैम्पायर सा। अगर आपको ट्विलाइट मूवी सीरीज पसंद है तो ज़रूर इस मूवी को भी एक बार देखना चाहिए, क्योंकि ये मूवी उसी की तरह बनाया हुआ एक सस्ता मजाक वाली कॉपी है। और मूवी के अंदर एदर और कॉमेडी तो बिना लॉजिक का ही टपकते हैं। मूवी हिंदी पे तो अवेलेबल नहीं है। मूवी को 3.4 की IMDb रेटिंग दी है, और आप इसे GTT वॉच लिस्ट प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। नंबर 6 वाली मूवी है 2008 की सुपर हीरो मूवी। तो ये कहानी पीटर पार्कर की है, पर ये वो पीटर पार्कर नहीं है, ये सस्ता वाले एक पीटर पार्कर है जिसे मकड़ी काटने के बाद स्पाइडरमैन की तरह झाड़ फेंकने लगता है। मूवी हिंदी पे तो अवेलेबल नहीं है। 4.8 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को, और आप इसे GTT वॉच लिस्ट प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। नंबर 5 वाली मूवी है 2001 की नॉट अनदर टीन मूवी। इस मूवी के अंदर टीनेजर्स की कॉलेज लाइफ दिखाया है। कैप्टन अमेरिका क्रिस एवंस एकदम दमदार लुक में देखने को मिल जाएगा। मूवी हिंदी पे तो अवेलेबल नहीं है। 5.7 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को, और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नंबर 4 वाली मूवी है 2000 की स्केरी मूवी। तो ये एक हॉरर कॉमेडी एदर मूवी है, और मूवी के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें देखने को मिलती है जो पूरी तरह से एदर और कॉमेडी से भरा हुआ है। ये मूवी आपको हिंदी पे देखने को मिल जाएगा, और आप इसे आसानी से YouTube पर देख सकते हैं। नंबर 3 वाली मूवी है 2001 की हाउ हाई। इस मूवी के अंदर दो बदमाश दोस्त की कहानी दिखाया है। अब ये दो बदमाश दोस्त जिस भी स्कूल में जाता है वहाँ के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट को भी बिगड़ देता है। मूवी के अंदर बिना लॉजिक वाले कॉमेडी और एडर तो पूरी तरह से भरपूर है। पागलपन के लिए इस मूवी को कभी एक बार जरूर देखना चाहिए। ये मूवी आपको हिंदी पे देखने को मिल जाएगा। 6.3 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को, और ये मूवी अमेजन प्राइम वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। नंबर 2 वाली मूवी है 2012 की द डिटेक्टर। तो ये एक ऐसे बंदे की कहानी है जिसके सामने में अच्छा और बुराई भी हार मान लेता है, और वो सऊदी अरबिया की एक जनरल है। और मूवी तब मजा आता है जब वो अमेरिका आते वक्त अपनी पहचान खो देता है। ये मूवी आपको हिंदी पे देखने को मिल जाएगा। मूवी को 6.4 की IMDb रेटिंग दी है, और ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। नंबर 1 वाली मूवी है 2014 की हारू एंड कुमार गो टू व्हाइट कैस्टर। तो ये कहानी दो दोस्त की है,
और ये दोनों एक्शन व्हाइट केस्टर के लिए निकल पड़ता है क्योंकि व्हाइट केस्टर में सबसे अच्छा बर्गर चीज मिलता है। पर उनके किस्मत उन्हें एक अलग ही जगह ले जाता है। मूवी हिंदी पे भी अवेलेबल है और इस मूवी को 7.0 की IMDb रेटिंग दी है और आप इसे Amazon प्राइम वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो। ऐसे ही कंटेंट्स के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड और नए वीडियो में।